पानी है कोयटा पर, पूरा मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार है। कोयटा, लोरालाई, डेरा मुराद, जमाली समेत सूबे भर में शटडाउन, अदालतों को बायकॉट और रैलियां निकाली गईं। कोयटा धमाके में जान बहक होने वाले एएनपी के सूबाई सदर के भाई एडवोकेट अस्कर खान सपुर्द खाक, नमाज जनाजा में कबायली अमायदीन, पार्टी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लोरालाई के इलाके दके में अमन अमान के कयाम और सिक्योरिटी के हवाले से एफसी और पुलिस के जरिए तमाम फ्लैग मार्च किया गया। पंजाब भर में भी सानिहाई कोयटा के खिलाफ वुकला ने अदालतों का बायकॉट कर दिया। सानिहे में शहीद होने वाले वुकला सहाफियों और शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हालिया में दरिया के कटाव का अमल तेजी से जारी है। दरिया किनारे आबाद तकरीबन 10 देहात की सैकड़ों एकड़ राजी जेरे आब आ गई। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुजरांवाला में शहरियों ने बच्चे को अगवा करते हुए मुबैना अगवाकार को रंगे हाथों पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लोधरा में टीएमए की नाकिस कारकर्दगी ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस गलियां मोहल्ले जौहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। मरी में जश्न आजादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी। आर्ट्स काउंसिल के जरिए तमाम पपेट शो का इनेकाद किया गया। मकामी स्कूलों के तुलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। पेशाब में किसानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अराकीन असेंबली समेत तमाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिंध भर में भी वुकला सानिहाई कोयटा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ शहरों में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, शहरियों की भी शिरकत। जैकबाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई संगीन जुराम में मुलविस 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ। जश्न आजादी करीब आते ही सिंध भर के छोटे बड़े शहरों में तैयारियां अरूज पर। बदीन के निजी और सरकारी स्कूल में तकरीबात का अहतमाम। मर्दान में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम और असलहा भी बरामद। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी सानिहाई कोयटा के खिलाफ वुकला ने अदालती बायकॉट किया और एहतजाजी रैली निकाली। सानिहे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत भी की गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह बलोचिस्तान से। कोयटा और लोरालाई में सानिहाई कोयटा के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल है, जबकि तालीमी इदारे भी बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान बार के सदर बिलाल अनवर कासी की टारगेट किलिंग के बाद मैयत को सिविल अस्पताल ले जाने पर धमाके से 70 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल जारी है। लोरालाई में भी सानिहाई कोयटा के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर में तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। सूबे के तमाम शहरों में फजा सौगवार है। सानिहाई कोयटा के खिलाफ कोयटा और लोरालाई में तालीमी इदारे भी बंद हैं। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक भी मामूल से कम है। कोयटा धमाके में जान बहक होने वाले एएनपी के सूबाई सदर असगर खान के भाई अस्कर खान को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अस्कर खान एडवोकेट गुज़िश्ता रोज़ कोयटा धमाके में जान बहक हो गए थे। उनकी नमाज जनाजा चमन में अदा कर दी गई, जिसमें कबायली अमायदीन, पार्टी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अस्कर खान को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर अवाम का कहना था कि कोयटा धमाके में सूबे भर से नौजवान वकील जां बहक हुए। ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि इससे कबल कोयटा के हालात खासे पुरअमन थे। उन्होंने मजीद कहा कि अस्कर खान एएनपी के सरगर्म कारकुन थे। उनकी पार्टी और अवाम के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
सानेह कोयटा के खिलाफ। डेरा मुराद जमाली प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा और सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा पर धरना दिया गया। एहतजाजी रैली प्रेस क्लब डेरा मुराद जमाली के सदर मिंठार मंगी की क्यादत में निकाली गई। रैली के शुरुका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर सानेह कोयटा के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई कौमी शाहरा पहुंची जहां से शुरुका ने धरना दिया। धरने से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब मिंठार मंगी अब्दुल रजाक मोहम्मद अयूब भुट्टो समेत दीगर सहाफियों ने कहा कि सानेह कोयटा में आज न्यूज कैमरामैन शहजाद खान और डॉन न्यूज के कैमरामैन महमूद ने अपने फराइज मनसबी के दौरान जाम शहादत नौश किया। दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर जितने चाहे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें, सहाफी बरादरी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। नाज़िर मुल्क भर की तरह डेरा भुगटी में भी सानेह कोयटा के खिलाफ सहाफती और वकला बरादरी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर सानेह कोयटा में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कोयटा के हालात फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस जिम में संजीदगी से इकदाम करने होंगे। उधर सोहबतपुर में भी सानेह कोयटा के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर सहाफियों समेत आवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने और सानेह कोयटा के मुलजिमान की फौरी कार्रवाई के नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत सहाफियों समेत वकला और आम आदमी के तहफ्फुज़ को फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। अब उसे मजीद वक्त देने का कोई जवाब नहीं। मुकर्ररीन ने सानेह सिविल अस्पताल के मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। उधर जाफराबाद में सानेह कोयटा के बाद बलोचिस्तान बार की अपील पर वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। एहतजाजी रैली निकाली गई और बलोचिस्तान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक सोची समझी तंजीम साजी के तहत वकला को निशाना बनाया गया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दहशतगर्दों ने इंसाफ के साथ खून की होली खेली है। दहशतगर्द वकला को कमज़ोर बनाकर अपने मकासद की तकमील करना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वकला ने हमेशा मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर के वकला बलोचिस्तान के वकला के साथ हैं। ये सब हमारे इदारों की कमज़ोरियां हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान को बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कोयटा सिविल अस्पताल में दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े के खिलाफ ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन किया गया और एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले सानेहे में यॉब के दो वकला भी लुकमा अजल बने। कोयटा सानेहे के खिलाफ ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद रहे। कोयटा के अलनाक वाक़े में योब से ताल्लुक़ रखने वाले हफीज़ुल्ला मंदोखेल एडवोकेट और कैसर खान एडवोकेट भी जाँ बहक हो गए। हफीज़ुल्ला मंदोखेल की नमाज जनाजा योब के स्कूल के मैदान में अदा की गई जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जबकि इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मुंतखब नुमाइंदे ने नमाज जनाजे में शिरकत नहीं की जबकि जाँ बहक होने वाले दूसरे शहीद कैसर खान शेरानी एडवोकेट की नमाज जनाजा 4 बजे अदा की गई। बलोचिस्तान के ज़िला लोरालाई में अमनो अमान के क़याम के हवाले से FC और पुलिस के ज़ेर एहतमाम फ्लैग मार्च किया गया जिसमें FC के विंग कमांडर कर्नल राजा साले ने भी शिरकत की। बलोचिस्तान के ज़िला लोरालाई में FC के विंग कमांडर कर्नल राजा साले इरफान सत्ती की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। अमनो अमान के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से किए गए मार्च में FC के अलावा पुलिस ने भी हिस्सा लिया। दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल फ्लैग मार्च FC 84 विंग की छावनी से शुरू हुआ और मुख्तलिफ शहराओं से होता हुआ वापस छावनी पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर विंग कमांडर कर्नल राजा साले इरफान का कहना था कि FC के जवान मुल्क दुश्मन अनासिर से निमटने के लिए हर दम तैयार हैं। दकी समेत पूरे लोरालाई में पुलिस और FC ने सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं।
उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी के हवाले से भी प्लान तरतीब दे दिया गया है। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। चकवाल में सानहा कोयटा के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। डिस्ट्रिक्ट बार में कुरान खानी का एहतमाम किया गया और जाबहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सानहा कोयटा पर पूरा मुल्क सोगवार है। इस हवाले से चकवाल में डिस्ट्रिक्ट बार के जेर एहतमाम कुरान खानी और ताजियती तकरीब का इनेकाद किया गया। वकला ने मुकम्मल अदालती बायकॉट किया और बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि सानहा कोयटा मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। दहशत गर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर अपनी बुजली का सबूत दिया, लेकिन इनके मजमूम मकासिद कभी पूरे नहीं होंगे। इंतहाई इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इन जो जालिम जो अशखास हैं उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक क्रैक डाउन किया जाए। डीसीओ चकवाल का कहना था कि वकला को टारगेट किया गया और सोचे समझे मंसूबे के तहत ये हमला किया गया जो काबिले मुज़म्मत है। इस तरह के हमले अमन की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश है जो कभी भी कामयाब नहीं होगी। नुकसान हुआ क्वेटा में, इसकी हम शदीद मुज़म्मत करते हैं। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसके पाकिस्तान फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। आखिर में वकला ने एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दाना हमलों की रोकथाम के लिए मुअस्सर इकदाम किए जाएं। बाद हज़ार जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और एक बार फिर से बात करेंगे सानहा कोयटा के हवाले से। गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने सानहा कोयटा के शहदा की रिकायबाना नमाज जनाजा अदा की। वकला का कहना था कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। सानहा कोयटा में शहीद होने वाले वकला और सहाफियों की गायबाना नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने अहाता सेशन कोर्ट में अदा की। नमाज जनाजा में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि हम शहीद होने वालों के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो भी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को तहफ़ देने और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वकला ने मुतालबा किया कि सानहा कोयटा के मुजरिमान को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। उधर मुल्तान में सानहा कोयटा के खिलाफ वकला ने अदालतों का बायकॉट किया, जहां बहक अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की, जबकि ताजियती रेफरेंस का भी इनेकाद किया गया। कोयटा में दहशतगर्दी के वाक्य ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। सानहा कोयटा में 70 से ज्यादा अफराद शहीद और 120 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दी के इस वाक्य में लोगों को इंसाफ दिलाने वाले वकला और सहाफियों को निशाना बनाया गया, जिस पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्तान के वकला ने मुकम्मल हड़ताल की, ताजीती इजलास मुनक्कद किए और शहदाए कोयटा के लिए हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार में अलहदा अलहदा गैबाने नमाज जनाजा अदा की गयी और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआएं की गयी। वकला रहनुमाओं का कहना है, दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बहुत ही अफसोस हुआ है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें सिक्योरिटी जो है उसका खसूसी तौर पर इंतजाम करना चाहिए। दुश्मन की कार्रवाइयों से, दहशतगर्दों की इस बुजदिलाना हरकत से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे और हम इसी तरह से हक और इंसाफ की जंग जो है वो लड़ते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब के जिर तमाम सानहा कोयटा में शहीद वकला, सहाफियों और शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सानहा कोयटा के शहदा की गायबाना नमाज जनाजा में जजेस, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान, वकला, सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद सानहा में शहीद होने वालों की मगफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए फातेखानी भी की गई।
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खादिम हुसैन सिंधु, जनरल सेक्रेटरी मियां लियाकत अली और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर वकला को निशाना बनाकर आइन और कानून की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह वकला बरादरी भी इस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के क्याम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब ने सानिहा कोयटा के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की और यौम सयाह मनाया। वकला ने स्याह पट्टियां बांधी और अदालती अमूर का मुकम्मल बायकॉट किया। सादिकाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से सानिहा कोयटा के शहदा की गायबाने नमाज जनाजा की गई और इसाले सवाब के लिए फातिखानी भी की गई। सानिहा कोयटा में शहीद होने वाले वकला, सहाफियों और शहरियों की गायबाने नमाज जनाजा अहाता अदालत में अदा की गई, जिसमें वकला, सहाफियों, पुलिस अहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खवानी भी की गई। इस मौके पर शुरका ने सानिहा कोयटा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। क्यों ये दहशतगर्दी जो है ये कंट्रोल नहीं हो रही, और खास तौर पर बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। हम इस वाक्य की, इस सानहे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तकरीब में शरीक वकला का कहना था कि वकला ने पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। जो भी बलोचिस्तान में अमन नहीं चाहता इसके खिलाफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पाक आर्मी के साथ वकला सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। जो भी दुश्मन बलोचिस्तान में अमन नहीं चाहता हम उसके खिलाफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के साथ वकला सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सानिहा कोयटा से होने वाला नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उधर डेरा गाजी खान में कोसलवानी पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई है। सखी सरवर के मकाम पर मुतादित बस्तियां भी जेरे आब आ गईं। कोसलवान के पहाड़ों पर होने वाली बारिश से वडोर नाला और सखी सरवर नदी में पानी के तेज बहाव ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल होने के बाइस लोगों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अहले इलाका का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पानी की तकसीम के लिए बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया। जिले इंतजामिया दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अहले इलाका का मजीद कहना था कि तीन मुख्तलिफ नालों से गुजरने वाले पानी की सतह करीबन 1 लाख क्यूसिक से तजावज कर चुकी है। वडोर नाला में तुगयानी से राबिता सड़कें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। गुजरावाला में शहरियों ने बच्चे को अगवा करते हुए मुबैना अगवाकार को रंगे हाथों काबू कर लिया, उसकी खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सब्जी मंडी के इलाके मोहल्ला गाजीपुरा में मुबैना अगवाकार एक बच्चे को पैसे देकर चीज दिलाने के बहाने साथ ले जा रहा था। अहले इलाका ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद अजां शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई और अगवाकार नवीद अख्तर पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। इत्तला मिलने पर थाना सब्जी मंडी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम नवीद को शहरियों से छुड़वाकर थाने मुंतकिल करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुलजिम खुद को सिक्योरिटी गार्ड जाहिर करके 2-3 दिन से मोहल्ले के चक्कर लगा रहा था और बच्चों से बातचीत कर रहा था। आज उन्होंने उसे बच्चे को साथ ले जाते हुए पकड़ लिया। लोधरा में टीएमए की नाकिस कारकर्दगी ने लोगों की जिंदगियां जीरन बना दी हैं। सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस गलियां और मोहल्ले जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। जिले भर में सीवरेज का निजाम निहायत मुतासिर है। तजारती मराकिस भी गंदगी से हट गए। डीसीओ और टीएमए के हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस 4 माह से गलियां और मोहल्लों की सफाई के हवाले से तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तनख्वाहें न मिलने पर आर्जी मुलाजमीन काम छोड़ गए और इस हवाले से मुतादिद इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि सीवरेज का गंदा पानी साफ पीने के पानी में शामिल होकर आता है, जिससे वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया।
کچھ بات کریں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے۔ مری میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج کاؤنسل کے زیر اہتمام پپٹ شو کا انعقاد کیا گیا۔ ملکہ کوثار مری میں جشن آزادی کے حوالے سے آج کاؤنسل کی جانب سے جاری تقریبات کے سلسلے میں آرٹس کاؤنسل آڈیٹوریم میں پپٹ شو کا انعقاد کیا گیا۔ پپٹ شو میں مقامی اسکولس کے طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طلباء نے ملی نغموں پر مشتمل اس شو کو بے حد پسند کیا۔ اس موقع پر بھرپور جوش و خروش بھی دیکھنے میں آیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آج کے نو نہالوں نے کل ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ایسے میں ہمیں ان کی تربیت اعلیٰ خطوط پر کرنی چاہیے تاکہ وطن عزیز دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تفریحی اور معلوماتی پروگراموں کا سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا۔ خوشاب میں کسانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین اسمبلی سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سیمینار کا انعقاد فاطمہ جنا ہال میں کیا گیا، جس میں اراکین اسمبلی اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کاشتکار بھائیوں کی بحالی کے لیے اور انہیں زراعت کے شعبے میں مزید ترقی کے لیے پنجاب حکومت نے متعدد سہولیات فراہم کرنے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے مطابق چھوٹے کاشتکاروں کو 80 ارب روپے کے بلا سود زرعی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ بہت ساری سبسڈیز دی گئی ہیں پیسٹیسائڈز پر، ڈی اے پی پر۔ مزید ان کے جو بجلی کے ٹیوب ویلوں کے ریٹ تھے وہ فی یونٹ کم کیے گئے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے خصوصی پیکجز کا اعلان کیا ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کی پیداواری صلاحیت کے حامل بیجوں کی تیاری کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اس خصوصی پیکج کے تحت 1.2 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں جدید مشینری کے لیے 36 سروس سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ زراعت کو فروغ حاصل ہو سکے۔ اور اب خبریں شامل کریں گے صبح سندھ سے۔ سانحہ کوئٹہ کے واقعے کے خلاف بدین میں بھی عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ وکلا کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا اور 3 روز کے سوگ کا اعلان ہوا۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے بم دھماکے میں شہید ہونے والے وکلا، صحافیوں اور شہریوں کے ورثاء سے اظہار ہمدردی اور دہشت گردی کے خلاف سندھ بار کاؤنسل کی جانب سے بدین میں بھی عدالتی امور کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس موقع پر عدالت کے سامنے وکلا کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ احتجاج میں شریک وکلا کا کہنا تھا کہ کوئٹہ واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وکلا نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان دہشت گردوں کو جلد گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ جیکب آباد میں بھی سانحہ کوئٹہ کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ نکالا گیا اور عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ اور ساتھ ہی ساتھ 3 روزہ سوگ کا اعلان ہوا۔ جیکب آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کوئٹہ میں خودکش دھماکے اور انور قاسی کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کے صدر احمد نواز پجیہو کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وکلا نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا اور 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار کے صدر کا کہنا تھا کہ سانحہ کوئٹہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے وکلا کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہید ہونے والے وکلا کے ورثاء کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کی بچوں کی مالی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور جیکب آباد میں ہی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف انتہائی سنگین جرائم میں مطلوب 3 ملزمان کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں جدید اسلحہ اور منشیات برآمد کی ہیں۔ جیکب آباد تھانہ میراپور کی حدود گاؤں بھائی خان سنانی میں مختلف تھانوں کی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی اور انتہائی سنگین جرائم میں ملوث 3 ملزمان امیر جان، رفیق اور سرفراز علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئیں۔
SSP मली साजिद हुसैन खोखर ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तीनों मुलजिमान कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबले समेत दीगर जुराइम में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान लाड़काना, कंबर, जैकबाबाद के अजला में दहशतगर्दी की अलामत बने हुए थे। इस मौके पर SSP साजिद हुसैन खोखर ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने वाले अहलकारों को अपनी जानिब से इनामात देने का भी ऐलान किया। मुल्क भर की तरह बदीन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूल्स में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बदीन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ NGOs, सरकारी और निजी स्कूल की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी है। बदीन में एक निजी स्कूल की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक बच्चों ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम उठा रखे थे। कुछ बच्चे पाकिस्तानी परचम के बने मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, जबकि कुछ बच्चों ने अपने चेहरों पर सब्ज और सफेद रंग से पाकिस्तानी झंडा बना रखा था। इस मौके पर नन्हे तुलबा ने मिली नगमे भी गाए। तकरीब में शरीक तुलबा के साथ साथ असातिज़ा का कहना था कि कायदे आज़म की बेपनाह मेहनत और लाखों मुसलमानों की जानों के नजरानों की बदौलत हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है, इसलिए हम सब को चाहिए कि इस दिन को मनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उधर गुड्डू में भी यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी करीब आते ही कश्मोर, गुड्डू, कंदकोट समेत ज़िले भर में जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से ज़िले भर में कौमी परचमों की एक बहार नज़र आती है। रंग भरंगी झंडियों, बैजेज और सब्ज हिलाली परचमों की खरीदो फरोख्त के लिए छोटे बड़े बाजारों में स्टॉल्स पर लोगों का हजूम है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई यौम पाकिस्तान को जोशो जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है। इस हवाले से नौजवानों और बुजुर्गों का कहना है कि हम अपनी आज़ादी के दिन को इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। उन्होंने बताया कि हर साल 14 अगस्त को ज़िले भर में रैलियां निकाली जाती हैं और बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। 14 अगस्त के रोज़ गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के CEO जबकि डेप्यूटी कमिश्नर के दफ्तर में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। लाड़काना में महकमे पुलिस में भर्ती के लिए 4000 उम्मीदवारों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। लाड़काना में पुलिस में भर्तियों के लिए पहले मरहले में उम्मीदवारों से फिटनेस टेस्ट लिए गए। फिटनेस टेस्ट में 4000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दूर दराज से आए उम्मीदवार शदीद गर्मी और हब्स में मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का शिकवा करते नज़र आए। उम्मीदवारों का कहना था कि अगर पहले मरहले में 2000 उम्मीदवारों का फिटनेस टेस्ट लिया जाता तो इंतजामात बेहतर हो सकते थे। दूसरी जानिब DSP सिविल लाइन थाना यार मोहम्मद रंद ने इल्जामात की तरतीद कर दी। उनका कहना था कि उम्मीदवारों के फिटनेस टेस्ट के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी वकला ने सानेहा कोयटा के खिलाफ अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया। शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की, जिसमें जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि वाकये में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। मजीद जानेंगे खालिदुर्रहमान की रिपोर्ट में। क्वेटा धमाके में दर्जनों अफराद की हलाकत पर पूरा मुल्क सोगवार है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मातहत अदालतों में यौम सोग मनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा क्वेटा के शोहदा की गायबाना नमाजी जनाजा अदा किया गया और उनकी मगफिरत की दुआ की गई, जिसमें वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का कहना था कि हुकूमत वकला को तहफ्फुज़ देने में संजीदा नहीं, अगर सरहदी इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी इन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए तो दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। जो वकील दूसरों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए इंसाफ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब अगर उनको प्रोटेक्शन हासिल ना हो तो किस तरह वो माशरे के दूसरे अफराद के लिए लड़ेंगे। वकला का कहना है कि हम भी इस माशरे के शहरी हैं और हमारी जाने भी कीमती हैं, हमें भी उतना तहफ्फुज़ फराहम किया जाए जितना अहम शख्सियात को किया जाता है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ खालिदुर्रहमान, वक्त न्यूज़, पेशावर।
مردان میں پولیس نے کارروائی کر کے دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان دہشت گردوں کے قبضے سے دو دستی بم اور اسلحہ برآمد ہوا۔ مردان میں سی ٹی ڈی پولیس نے کارروائی کر کے دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی پولیس کے مطابق صالح شاہ اور وسیم نامی دہشت گرد چار سدہ سے مردان داخل ہو رہے تھے، جنہیں بروقت کارروائی کر کے گرفتار کر دیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے دو دستی بم اور دو پستول برآمد ہوئے۔ حکام نے دہشت گردوں کی گرفتاری کو ایک بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر دیر بالا کوہستان کے سینکڑوں افراد نے جنگلات کے مالکانہ حقوق نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے 22 اگست تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ دیر بالا کوہستان کے سینکڑوں افراد نے جنگلات کی مالکانہ حقوق نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے انڈس کوہستان اور ہزارہ کے عوام کو جنگلات کے مالکانہ حقوق نہیں دیے، مگر دیر کوہستان کے عوام کو ان کے حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئی آر درج کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر 22 اگست تک ہمارے مطالبات کو نہیں مانا گیا تو پھر لانگ مارچ سمیت کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور اب خبریں ہوں گی آزاد کشمیر سے۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی سانحہ کوئٹہ کے خلاف وکلا نے عدالتی بائیک آٹ کیا اور احتجاجی ریلی نکالی۔ سانحہ کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں سانحہ کوئٹہ کے خلاف شٹر ڈاؤن کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر عدالتوں اور کچہریوں کا مکمل بائیک آٹ کیا گیا اور وکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈسٹرکٹ بار کا کہنا تھا کہ کوئٹہ سانحہ سے پوری قوم سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم یہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کی پرزور الفاظ میں ایک بار پھر مذمت کرتا ہوں، اور ہم ان کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ وکلا نے مطالبہ کیا کہ میرپور آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں وکلا کو مؤثر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں تاکہ مستقبل میں ایسے کسی سانحے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر اور نو منتخب ممبر قانون ساز اسمبلی سردار خالد ابراہیم خان نے آزاد کشمیر میں صدر کا انتخاب براہ راست کروانے کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ راولہ کوٹ میں ایک احتجاجی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک آزاد کشمیر کے عوام کا حق حکمرانی بحال نہیں ہوتا، صدر ریاست کا انتخاب ایکٹ 1974 کے تحت براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں کروایا جاتا۔ صدر کے عہدے اور دیگر اہم نشستوں پر اسلام آباد سے غیر سیاسی لوگوں کی نامزدگیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا اس وقت تک جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنی تحریک کو جاری رکھے گی۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اسمبلی سے استعفیٰ دیا تو میں اکیلا استعفیٰ نہیں دوں گا، بلکہ مسلم لیگ نون کے کم از کم 14 ممبران بھی استعفیٰ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے تشخص کی جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چور دروازے سے کسی صدر یا ممبر اسمبلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب عوام کا حق حکمرانی بحال ہوگا اور صدر یا پھر براہ راست کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے ہوگا۔ میرپور آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں تگیانی آ گئی ہے۔ منگلہ ڈیم میں بھی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش چند فٹ تک ہی رہ گئی ہے۔ میرپور آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں تگیانی آ گئی۔ بارشوں کے باعث منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے آبی ذخیرے منگلہ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش چند فٹ تک باقی رہ گئی ہے۔ منگلہ ڈیم میں پانی کا ڈیڈ لیول 1040 جبکہ انتہائی لیول 1242 ہے۔ ادھر موسلادھار بارش کے باعث کئی علاقوں میں تاحال پانی کھڑا ہے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ کراچی سے خیبر تک کا حوالہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔